मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम कुंवर नारायण की कविता के बहाने इस कविता की व्याख्या कर चुके हैं और आज चर्चा करते हैं उनकी दूसरी कविता, बात सीधी थी पर। आप कविता की समरी ध्यान से सुनेंगे। बात सीधी थी पर में भाषा की सरलता और सहजता को रेखांकित किया गया है। कवि का कहना है कि हमें सीधी सरल बात को सीधे सरल शब्दों में कहने का प्रयास करना चाहिए। भाषा के प्रदर्शन में बात उलझने लगती है। जैसे जैसे कवि उलझाव से निकलने का प्रयास करता है, जटिलता और अधिक बढ़ने लगती है। कुछ लोग इस उलझाव का समर्थन करते हैं, परिणाम स्वरूप बात का मूल प्रभाव नष्ट हो जाता है। कहने वाला भाषा की जटिलता से तंग आकर जोर जबरदस्ती करने लगता है। इस प्रकार वह अपनी बात का प्रभाव नहीं छोड़ पाता और सरल बात भी उलझ जाती है, समझ नहीं आ पाती। पहला काव्यांश आप ध्यान से सुनेंगे। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इस काव्यांश में कवि स्पष्ट करना चाहता है कि कवि को अपनी कविता में अपनी बात सहज भाव से कहनी चाहिए और उसे तर्क के जाल में फंसाना नहीं चाहिए। कवि अपनी सहज सरल भावनाओं को कविता के माध्यम से कहना चाहता है, लेकिन जब कवि भाषा के चक्कर में फंस जाता है तो वह अपनी बात को सहज रूप से कह नहीं पाता, जिससे कवि के भाव और अस्पष्ट हो जाते हैं। कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए भाषा को उलटता पलटता है, उसे तोड़ता मरोड़ता है, ताकि किसी प्रकार या तो वह बात ठीक तरह से कह सके या उसकी बात भाषा के ताने बाने से बाहर निकले। लेकिन कवि भाषा के आडंबरपूर्ण प्रयोगों के कारण बात को और अधिक उलझा देते हैं, जिससे कवि का कथ्य स्पष्ट होने की बजाय उलझ कर रह जाता है, समझ नहीं आ पाता। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि कवि यही स्पष्ट करना चाहता है कि जब भी कोई कवि चमत्कारपूर्ण शब्दावली द्वारा अपने कथ्य को प्रस्तुत करने का साहस करता है तो कवि की बात स्पष्ट नहीं हो पाती, जिससे वाक जाल में उलझकर रह जाती है। अगली पंक्तियाँ। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यहाँ कवि स्वीकार करता है कि मैं इस कठिनाई को धैर्यपूर्वक समझ नहीं पाता। यद्यपि मुझे अपने कथ्य को शब्द जाल से बाहर निकालना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा न करके उसे और अधिक उलझा कर रख देता हूँ। इस प्रकार जब मैं चमत्कारपूर्ण तथा आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करता हूँ तो कविता सुनने वाले मेरे मन को नहीं समझ पाते, केवल कविता की भाषा को सुनकर मुझे शाबाशी देने लगते हैं, अर्थात वे भाषा के शब्द आडंबर की प्रशंसा करने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि भाव को स्पष्ट करने के लिए मैं और कलिष्ठ शब्दों का प्रयोग करता हूँ। अब यहाँ मैं शब्द कौन प्रयोग कर रहे? कवि, जिससे बात की चूड़ी मर जाती है। चूड़ी मरना क्या है? मुहावरा है ये कि बात समझ नहीं आ पाती और वह भाषा के जाल में उलझकर रह जाती है। संक्षेप में कवि स्पष्ट करना चाहता है कि वही कविता प्रभावशाली होती है जिसमें कथ्य को सहज भाव से व्यक्त किया जाए। आगे देखिए। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया
ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? इस काव्यांश में कवि स्पष्ट करता है कि कवि को अपनी रचना में सहज सरल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए ताकि उसका कथ्य पाठकों के समक्ष स्पष्ट हो सके। कवि कहता है कि मैं कविता के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया, मेरी बात शब्दों के जाल में उलझकर रह गई, जैसे पेच की चूड़ियाँ मर जाने के बाद उसे कील के समान उसी स्थान पर ठोक दिया जाता है और वह कील बाहर नहीं निकल पाती। उसी प्रकार मैंने भी अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। ऊपर से तो वह ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन वस्तुतः उस कविता में न तो कोई कसाव था और न कोई शक्ति। कविता का कथ्य शरारती बच्चे के समान कवि से खेल रहा था। उसने जब कवि को पसीना पोंछते हुए देखा तो कहा, अभी तक तुम्हें सहज सरल भाषा का प्रयोग करना नहीं आया, तुम हमेशा बात को शब्द जाल में फंसाकर रख देते हो, जिससे तुम्हारी बात स्पष्ट होने की बजाय और अधिक उलझ जाती है। भाव यही है कि कविता में चमत्कारपूर्ण शब्दावली की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः सहज भाषा के प्रयोग से ही कविता प्रभावशाली बनती है। बच्चों, आज का होमवर्क है कि आप इस कविता की सहप्रसंग व्याख्या का अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में। थैंक यू।